तो हेलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं सरसों का घर का ऑयल, जो कि बिल्कुल रिफाइंड किया गया है, हर तरह से बिल्कुल प्योर है ये। सबसे पहले इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा, और इसके बाद हमने इसमें चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन और अदरक। ये मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया है, क्योंकि मुझे ना इस वाली सब्ज़ी में ये थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप किया हुआ अच्छा लगता है। बाकी आप बिल्कुल बारीक पेस्ट भी बना सकते हो। तो इसको थोड़ा सा ऐसे महीन भून लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए हींग ऐड करते हैं, इतना ही अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए। अब ये थोड़ा सा भून रहा है, और इस वाले स्टाइल में बना के ना कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और लौकी भी जो है वो मेरे गार्डन से ही हार्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑलरेडी उसकी सब्ज़ी वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। तो ये थोड़ा सा भुन गया है, और अब इसमें हम डालेंगे एक टमाटर का पेस्ट। अब इसको पूरा मसाला बनाने के लिए इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, आपके स्वाद अनुसार हल्दी, तो हम तीखा ज़्यादा खाते हैं इसलिए एक पूरी टीस्पून मिर्ची। और मैंने कोफ्ते पे भी नमक डाला हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए एक चम्मच नमक। आप इसको अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना आप खाते हो। तो ये मसाला ऐसे बन गया है, इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, जो कि मैं हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ किचन की। कोई स्पेशल मसाला नहीं है अलग से, किचन की ही है तो वही मैं यूज़ करती हूँ, वही मैं डालूँगी इसमें। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो इतना मसाला, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटी चम्मच है तो और भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ अपनी मम्मी के स्टाइल में, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती है। मसाला ऑलमोस्ट भुन गया है, जब ये ऑयल बाहर आने लगेगा तो इट मीन्स हमारा मसाला बहुत अच्छा भुन चुका है। और ये कोफ्ते मैंने ऑलरेडी पहले ही बना के रेडी कर लिए थे, देखो इनको पूरा अच्छे से बना लिया है मैंने, फ्राई कर लिया था कोफ्तों को। तो अब ये मसाला हमारा भुन चुका है ऑलरेडी, इसमें अब डालेंगे हम पानी, और पानी में एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। एक कटोरी पानी डाल रहे हैं अभी, और ये मेरे आधे किलो लौकी के कोफ्ते हैं। आधा किलो लौकी के कोफ्ते की बना रहे हैं हम सब्जी। तो इसमें मैंने दो बाउल छोटे वाले पानी ऐड किया है। अभी इसमें एक बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। तो अगर आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। तो आज मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल देसी स्टाइल में जैसे मेरी मम्मी बनाती थी। तो मम्मी के हाथ का खाना तो सबको बहुत अच्छा लगता ही है, इसलिए मैं आज ऐसे ही बना रही हूँ सिंपल। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सिंपल ऐसी सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल बनी हुई अच्छी लगती है, अदरवाइज़ पनीर और छोले आलू गोभी वो बिल्कुल स्टाइलिश बनाने में, मतलब बहुत हलवाई ढाबे स्टाइल में बनाने वाली अच्छी लगती है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा गैस हम तेज़ कर देते हैं, अभी बॉईल आने वाला है, फिर इसमें हम ऐड करेंगे कोफ्ते।
किस किस को कोफ्ते की सब्जी पसंद है वो मुझे कमेंट में भी बताना। मुझे तो बहुत पसंद है कोफ्ते की सब्ज़ी, तो किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे बताना। अब इसमें बॉईल आ गया देखो, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे ये कोफ्ते। बहुत सॉफ्ट क्रिस्पी बने हुए हैं, और ये जितने अच्छे बनेंगे ना, जितने सॉफ्ट होंगे उतना अच्छा होता है, उतना ही ये जूसी बनते हैं बढ़िया। और एक बॉईल आने पे हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि फिर ये सारा पानी पी लेते हैं। तो इसमें बॉईल आ रहा है अब अच्छे से, और सब्जी हमारी 5 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। बस इसमें ग्रीन धनिया डाल के इसको पूरा रेडी कर देना है। बन गई हमारी सब्जी विद इन 5 to 6 मिनट, इतना ही टाइम लगता है इसे बनने में, बस झटपट बन के तैयार हो जाती है ये। और इसको बिल्कुल हमें आराम आराम से चलाना होता है, अदरवाइज ये जो कोफ्ते हैं हमारे वो फूट जाते हैं। और इसमें आप चाहो तो घर की मलाई ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। घर की मलाई हल्दी भी होती है, तो मैं बाहर की मलाई कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा घर की मलाई यूज़ करती हूँ। तो अभी इसमें सबसे लास्ट में जब हम गैस बंद कर देंगे, इसमें मैं ऐड करूँगी ऊपर से घर की मलाई और धनिया, देन हमारी सब्जी है बिल्कुल रेडी। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।